आज के सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के कर्मियों, भक्तिमती माताएं, श्रद्धालु भक्त, छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। आज इतना भव्य परिवेश में सिकंदराबाद का लाल बाजार पंजाबी कम्युनिटी हॉल में आज हम लोग परम प्रेमा श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की 130वीं जन्म महोत्सव मना रहे हैं। इतना सुंदर परिवेश, दोपहर से विभिन्न कार्यक्रम चल रहा है, संगीतांजलि मातृ सम्मेलन प्रार्थना हुआ, अभी सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मन मेरा भर गया है बैंगलोर से, मैं आया हूँ आप लोगों के पास इस सत्संग में योगदान करने के लिए। मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच मैं आज उपस्थित हो पाया हूँ शिष्य ठाकुर जी के 130वां जन्म महोत्सव मनाने के लिए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जिनके जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, वो जो व्यक्तित्व जिनके विग्रह हम लोग केंद्र में देख रहे हैं, लग रहा जैसा एक साधारण व्यक्तित्व, एक धोती पहने हुए हैं। इस व्यक्तित्व के अंदर असाधारण बात आए, देखने से कोई असाधारण बात तो नहीं लगता, लेकिन उनके अंदर, उस व्यक्तित्व के अंदर वो मैजिकल पर्सनालिटी क्या था जिसके लिए हजारों लोग, करोड़ों लोग उनके प्रति आकर्षित होके, अट्रैक्टेड होके उनके पास आ गए थे। चाहे पंडित हो या मूर्ख, ज्ञानी ज्ञानी हो या क्या, धनी हो या निर्धन, हिंदू हो या मुस्लिम, क्रिश्चियन हो या सिख, उनके पास आकर्षित होके आए थे। उस व्यक्तित्व के अंदर क्या था ऐसा जिसके प्रति इतने सारे लोग अट्रैक्टेड होके आए? वैज्ञानिक उनके पास आए थे और उन्होंने कहा शिष्य ठाकुर परम वैज्ञानिक। राजनीतिज्ञ आए थे, उन्होंने कहा शिष्य ठाकुर जैसे ही इज द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके पास आए थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने बता के गए जैसे सबसे बड़ा दुनिया का एडमिनिस्ट्रेटर है, सोशियोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है। देखने से लगता है एक साधारण व्यक्ति। हिंदू आके कहा, हिंदुओं ने कहा वो हमारा ईश्वर है, अवतार है। मुस्लिम और मुस्लिम लोगों ने आके कहा श्री ठाकुर जी को जीवन में पाके रसूल मोहम्मद को जैसे हम लोग समझ पाए अच्छी तरह से। क्रिश्चियंस वो लोग आके कहा अगर जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में अभी उनका जन्म होता तो श्री ठाकुर उस व्यक्तित्व क्या था, जो साधारण व्यक्तित्व जिसको कोई वर्णना किया कि वो जो व्यक्तित्व है ही इज एबनॉर्मली नॉर्मल, गॉर्जियसली सिंपल एंड वाइजली फूलिश। एबनॉर्मली नॉर्मल, इतना साधारण इतना सरल कोई हो नहीं सकता, इतना गॉर्जियसली सिंपल कोई हो नहीं सकता, और देखने से लगता है जैसे इतना साधारण ज्ञान का भंडार थे, लेकिन नहीं लगता था कि जैसे उनके अंदर जैसे इतना साधारण आदमी जैसे लगे। जैसे ठाकुर जी के पास आए थे अमेरिका के विशिष्ट सोशियोलॉजिस्ट,
कुछ दिन श्री ठाकुर जी के साथ बिता के जब वापस गए जा रहे थे, भक्त लोग उनको पूछा, आप तो श्री ठाकुर जी के पास कुछ दिन बिताए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र? इफ यू हैव टू डिस्क्राइब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, व्हाट वुड यू से? उन्होंने कहा, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इज द ओनली पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड, द ओनली पर्सनैलिटी इन दिस वर्ल्ड हु कंबाइंस एंडलेस लव एंड अनपैरेलल इनसाइट. Endless love and unparalleled insight. प्रेम का जैसे भंडार है, असीम प्रेम उनके अंदर है, और प्रेम के साथ साथ insight, ज्ञान, प्रगाढ़ ज्ञान है जिस साधारण आदमी के पास, जिस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके अंदर इतने सारा ज्ञान भरा हो सकता है, जिसका जो जितना ज्ञान इनके पास है. मैंने दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोगों को देखा जिसके अंदर इंसाइट तो है लेकिन प्यार नहीं है, प्रेम नहीं. बहुत सारे प्रेमी लोगों को देखा हूं जैसे माँ जैसे प्रेम और किसके पास होता है? माँ तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन माँ के अंदर इतना ज्ञान तो नहीं है. बच्चा का लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर उसका यंत्रणा बुरा है, माँ कभी सोचती है शायद भूख लग रहा है बच्चा को इसीलिए वो रो रही है. लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर परीक्षा करके इन डायग्नोसिस करके बता सकता है कि शायद बच्चा को एब्डोमिनल पेन है, पेट में यंत्रणा है, वो डॉक्टर ही बोल सकता है क्योंकि उसके अंदर इंसाइट है लेकिन प्यार नहीं है उनका. माँ जिसके अंदर प्यार है, प्यार उजाड़ सकती है, लेकिन बच्चा के लिए अच्छा क्या है ठाकुर अनुकूल चंद्र. दुनिया में ऐसे आदमी है, एक ही आदमी है जिनके अंदर असीम प्रेम और प्रगाढ़ ज्ञान, जो कि आदमी का अंतर में दुख यंत्रणा समस्या का जो अंतर्निहित कारण है उसको वो समझ सकते हैं और उसका समाधान दे सकते हैं. इसीलिए द होपलेस केम टू बी फॉर होप, द हेल्पलेस केम टू बी फॉर हेल्प, द शेल्टरलेस केम टू बी फॉर शेल्टर. ही वॉज द मदर टू द ऑर्फन चाइल्ड, he was the child to the childless mother. वो ऐसे से था. उनको कोई कहता है पुरुषोत्तम, कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है भगवान. हम लोग जिन्होंने ऐसे से ठाकुर जी को अपना जीवन सर्वस्व माना है, जीवन में उनको गुरु के भाव गुरु रूप से ग्रहण किए हैं, हम लोग उनको स्वीकार करते हैं. पुरुषोत्तम है, इस युग का अवतार है मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए, मनुष्य समाज को समस्या से उद्धार करने के लिए, बाहर निकालने के लिए वो आए हैं, हम लोगों को रक्षा करने के लिए. तो पुरुषोत्तम से